देश में सत्ता परिवर्तन का दावा करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा है कि राजग में घबराहट है। चुनाव स्थिति को लेकर निराधार सर्वे सामने लाए जा रहे हैं, राजग में फूट पड़ेगी। मुंबई में होने वाले विपक्ष की बैठक में 4 से 5 दल विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल होंगे। रवि भवन में पत्रकार वार्ता में शर्मा ने ये भी कहा कि घबराहट के कारण राजग में पुनर्गठन शुरू हो गया है। राजग में वन मैन शो की स्थिति है, उस गठबंधन में शामिल अनेक दल तो नाम भी भूल गए हैं। आलोक शर्मा ने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में भ्रष्टाचार बढ़ा है, कैग की रिपोर्ट से भी प्रमाणित हो गया है। मोदी को चुनौती है कि वे ईडी व सीबीआई से उन मामलों की जांच कराए जिन कैग की रिपोर्ट से सवाल उठ रहे हैं। केंद्र सरकार ने द्वेष भाव से विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई की, लेकिन एक भी नेता पर दोष सिद्ध नहीं हो पाया है। इवेंट कर देश को भ्रमित किया जा रहा है। मणिपुर के मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार की फाइल बंद कर दी गई है। ब्रजभूषण के कारण कुश्ती पहलवानों पर अन्याय के कारण विश्व संगठन ने भारतीय कुश्ती महासंघ की मान्यता रद्द कर दी। मध्य प्रदेश में दलित आदिवासियों पर अत्याचार किए जा रहे आरोपियों के लिए जमानत का मार्ग खोला गया है। के आने के बाद जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा है और पिछले कुछ दिनों में भ्रष्टाचार की जो तमाम खबरें आ रही हैं, सीएजी की जो रिपोर्ट्स आई हैं, हम मोदी साहब से और केंद्र की सरकार से पूछना चाहते हैं कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो तमाम घोटाले सामने आए हैं, जो चिकित्सा के क्षेत्र में, इंश्योरेंस के क्षेत्र में घोटाले सामने आए हैं, जिस तरह से भारतमाला प्रोजेक्ट में घोटाले सामने आए हैं, लगभग 7 जो रिपोर्ट आई है सीएजी की, इनके ऊपर ईडी सीबीआई की जांच कब बैठाएंगे मोदी साहब? कब देश को पता चलेगा कि चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग वालों को क्लीन चिट कैसे मिली, कैसे उनको साथ मिलाया? भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जो भ्रष्टाचार के ऊपर राग अलापते हैं, उनकी जो दोहरी नीति है, कांग्रेस पार्टी अब सवाल करती है कि मोदी साहब एक FIR बताइए जो 2014 के बाद आपकी सरकार ने की हो और उसके अंदर एक व्यक्ति कन्विक्ट हो गया हो। केवल आप हर चीज को इवेंट बना दें और देश को गुमराह करें। भ्रष्टाचार के ऊपर हमारे तमाम सवाल हैं मोदी सरकार से, इनके मोदी सरकार को उत्तर देने होंगे। हमारा सीधा सवाल है कि क्या मणिपुर के मुख्यमंत्री के पास भ्रष्टाचार से जुड़ी कोई अहम जानकारियां या फाइलें हैं जिसकी वजह से आप उनको नहीं हटा पाए अभी तक? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के पास बीजेपी के तमाम नेताओं के कुछ ऐसे राज हैं जिसकी वजह से आपने अपनी भारतीय कुश्ती संघ को भी दाव पर लगा दिया? आज वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ने जिस तरह से हमारी रेसलिंग फेडरेशन को अयोग्य घोषित किया है, इसका जिम्मेदार कौन है? मोदी साहब केवल और केवल इवेंट मैनेज करने से क्या देश चलता है? शर्मा ने कहा कि विपक्ष के गठबंधन इंडिया में नेतृत्व की कोई समस्या नहीं है, राकांपा अध्यक्ष शरद पवार का मार्गदर्शन मिल रहा है। महाराष्ट्र व बिहार की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए तोड़फोड़ की राजनीति की जा रही है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को लोकसभा की 35 से 40 सीटें मिलेगी। उन्होंने कहा कि तीसरा मोर्चा भाजपा की भी टीम के रूप में काम करता है। मायावती असदुद्दीन ओवैसी के संबंध में भ्रम रहता है। लोकसभा की 450 सीटों पर 1-to-1 मुकाबला हो तो राजग पराजित हो जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर फर्जी सर्वेक्षण सामने लाए जा रहे हैं। पूरे इस प्रकरण को समझ चुकी है, किस तरह से क्या दबाव दिया गया, किसको कब नोटिस गए, कब किसका क्या हुआ, ये अब चीजें छुपी हुई नहीं है। 50 खोखे की कहानी महाराष्ट्र की जनता को समझ आ रही है। किसी पे दबाव है, किसी पे लालच है, समय आने दीजिए, सब चीजें ठीक होंगी। महाराष्ट्र की जनता हमारे साथ है। आप किसी को दल को तोड़ें फोड़ें, आप कुछ और करें, महाराष्ट्र की जनता महाविकास आघाड़ी के साथ है, कांग्रेस के साथ है, और जो मूल NCP और ठाकरे साहब की पार्टी है उसके साथ है। चौंकाने वाले नतीजे आएंगे लोकसभा के 2024 के चुनाव में। ये जितने लोग अभी टूट फूट कर गए हैं, इनका किसी का खाता नहीं खुलेगा। 48 में से 40+ सीटें महाविकास आघाड़ी की आएंगी
और मोदी जी इसी चीज से डरे हुए हैं। मोदी जी को दो राज्यों में सबसे ज्यादा खतरा है, महाराष्ट्र और बिहार, इसीलिए बार बार इन दो राज्यों को डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता समझ गई है कि आप किस तरह से एक ईडी के डायरेक्टर को तीन तीन एक्सटेंशन के बाद एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए चले जा रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, उनके पास क्या राज हैं। अब ये देश की जनता जानना चाहती है। मोदी साहब केवल भाषण आप देते रहते हैं भ्रष्टाचार पे, आरटीआई के कानून को आपने कमज़ोर किया, सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति को कमज़ोर किया, सीबीआई के डायरेक्टर के कार्यालय को रात को 2 बजे दिल्ली पुलिस घुस गई थी तो किसके इशारे पर घुसी थी वो, क्या पीएमओ का इशारा नहीं था उसमें। आज जिस तरह से तमाम सीएजी की रिपोर्ट्स आ रही हैं, किसके घर पर बुलडोजर जाएगा, मोदी साहब बताइए जरा। मोदी साहब, केंद्र की सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बिल्कुल पूरी तरह से निर्लज्ज हो चुकी है। पत्रकार वार्ता में पूर्व केंद्रीय मंत्री विलास मुत्तेमवार, पूर्व मंत्री सुनील केदार, विधायक विकास ठाकरे, प्रदेश प्रवक्ता अतुल लोंडे, विशाल मुत्तेमवार, नितिन अग्रवाल उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।